आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कह रहा मिलान करना है रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण से मिलान करना है। रोस्टर रूप का मिलान किससे करना है भाई साहब? समुच्चय निर्माण के रूप से मिलान करना है। आप यहाँ पे देखिएगा क्या, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये छः है। एक बात बताइए, पहला मिलान कह रहा है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है, क्या दो अभाज्य है, क्या छः अभाज्य है? छः अभाज्य नहीं है, तो ये इसका तो ये हो ही नहीं सकता। चलिए एक्स एक संख्या है, यहाँ पे आइएगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको क्या बता रहा है यहाँ पे कि एक्स एक्स मतलब एक सच डेट एक संख्या जो 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, क्या यहाँ पे जो 6 है विषम है क्या? तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है इस चीज को देखिएगा, कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल 1, 2, 3, 6 ये भी प्राकृत संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 6 का क्या है? भाजक है। 6 का क्या है भाई साहब? तो 6 का भाजक है, ये बात तो बिल्कुल ही सही कह रहा, क्योंकि एक जो है 6 का भाजक है, 2 भी 6 का भाजक, 3 भी 6 का भाजक, और 6 भी क्या है 6 का भाजक है, और ये प्राकृत संख्या भी है। तो आपने देखा कि ए जो है ऑप्शन ए किसका हो गया? सी का। ए किसका हो गया भाई साहब? वो सी का हो गया। ए किसका हो गया? सी का हो गया। दूसरा में कह रहा है कि 2, 3, आइए यहां से आप बातें करते हैं कि एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या, तो 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और 6 का भाजक है, क्या 2 से 6 भाग लग जाता है? बिल्कुल। और 3 से लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका भाई साहब? ए हो गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। आइए तीसरा बात करते, एम ए टी एच ई आई सी एस, ये तो देखने से ही लगता है, इसके एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक्स सच डेट एक्स मैथमेटिक्स का एक शब्द है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जब आप शब्द लिखेंगे एम ए टी एच ई मैथमेटिक्स एम ए टी आई सी एस, तो यहाँ पे आप इसका लिखेंगे तो एम एक और एक काट देंगे, एक लिखेंगे, ए आ रहा है ए लिख देंगे, टी आ रहा है टी लिख देंगे, और एच आ रहा है एच लिख देंगे, ई आ रहा है ई लिख देंगे, आई लिख देंगे, सी लिख देंगे और एस लिख देंगे। तो ये जो शब्द बन रहा है किसका बन रहा है? मैथमेटिक्स का बन रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये किससे मैच करेगा, तो यहाँ पे एक लास्ट में बताया हुआ है कि ये डी जो है ये डी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है भाई साहब? तो डी से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम इसका ऑप्शन क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई साहब? ये डी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। और एक जब तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो लास्ट वाले का ऑप्शन जो बच गया वही होगा, यानी जो बचा हुआ क्या था? एक बी बचा हुआ था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमने आपको क्या बताया, इसका जो आंसर आपने देखा ये फर्स्ट है 1, 2, 3, 6, इसका ऑप्शन आपने क्या देखा? एक से प्राकृत संख्या है जो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, सॉरी ये सी देखा, एक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 का क्या है? भाजक है। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो क्या है? 6 का भाजक है। एक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 का क्या है? भाजक है। तो यानी ए का ऑप्शन आपने क्या देखा? सी देखा। ए का आपने क्या देखा? सी देखा। दो नंबर का आपने क्या देखा? यहाँ पे देखिएगा 2, 3 है, तो 2, 3 एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का क्या है? भाजक है। तो 2 का आपने क्या देख लिया भाई साहब? 2 का आपने देख लिया बी, सॉरी 2 का आपने देख लिया ए। 3 का आपने क्या देखा भाई साहब? तो 3 है मैथमेटिक्स और ये ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है डी के साथ। और चौथा जो बच गया वो किसके साथ एलिमिनेट करेगा? वो करेगा बी के साथ। चौथा जो किसके साथ एलिमिनेट करेगा? बी के साथ करेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 1, 2, 3, 6 ये जो है ये एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सही है, और 6 का भाजक भी है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखिएगा एक्स एक प्राकृत संख्या और 6 का भाजक है, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट कर रहा है। दूसरा देखिएगा 2, 3 अभाज्य है, बिल्कुल अभाज्य है, और 6 का भाजक है, बिल्कुल 6 का भाजक है, क्योंकि 6 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है, मैथमेटिक्स का तो आप देख ही रहे। तो इस तरह से हमने आपको बताया 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।